OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE3 Lite 5G इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। तो ऑब्वियसली इस मोबाइल के बारे में डिटेल्स जानेंगे, स्पेसिफिकेशन भी बताएंगे और क्या क्या ऐसा फीचर है जो कि डिफाइन करता है ये भी बताएंगे। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो इसमें IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि डिफाइन करता है AMOLED डिस्प्ले दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED डिस्प्ले आराम से मिल जाता है। डिस्प्ले का साइज 6.72 इंच का दिया गया है जो कि अच्छी बात कही जा सकती है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, ऑब्वियसली अच्छा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है जो कि अच्छा चिपसेट कहा जा सकता है इस प्राइस पॉइंट पे, 5G चिपसेट है। और रैम टाइप की बात करें तो LPDDR4X दिया गया, ऑब्वियसली इस प्राइस पे आपको 4X ही मिलेगा। स्टोरेज टाइप की बात करें तो UFS 2.2 दिया गया है, थोड़ा सा डिफाइन करता है UFS 3.something दिया जाना चाहिए जो कि कटौती कर ली गई है। एंड्रॉइड 13 पे ये मोबाइल रन करता है। कैमरा की बात कर लेते हैं तो अट्रैक्टिव मेन कैमरा 108 MP का दिया गया है। दूसरा और तीसरा कैमरा डिफाइन करता है 2 MP 2 MP का दिया गया। मेरे अनुसार कैमरा पॉइंट व्यू से ये मोबाइल अच्छा नहीं है, सिर्फ एक कैमरा 108 MP का देने से कुछ नहीं होता है, 100 MP बढ़ाने से कैमरा की क्वालिटी और सब चीज़ बढ़ नहीं जाता है। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, 1000 mAh की बैटरी और 67 W का फास्ट चार्जर दिया गया है जो कि अच्छी बात कही जा सकती है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट कीमत 19,999 रुपया रखा गया है। 15,000 या 16,000 बेस वेरियंट का प्राइस रखा जा सकता था, लेकिन 19,999 रुपया थोड़ा ज़्यादा हम कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।